स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं कैनबेरा और मजे की बात यह है कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ मेरी वाइफ भी है। कुल मिला के हम तीन फैमिली है। अगर किसी को पता ना हो तो बता दूं, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, सिडनी से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव है। तो हम जा रहे हैं कैनबेरा और जैसे मैंने बोला हम अकेले नहीं है, आज फैमिली के साथ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो बने रहिए, मैं आपको आगे का रास्ता भी दिखा दूँ। इतना कोई ट्रैफिक नहीं है आज और वेदर भी खुशनुमा है, बारिश नहीं है ना ही क्लाउडी है, धूप बिखरी हुई है। ज़रा मैं आपको बाहर का भी दिखा देता हूँ। ये आगे मैकडोनाल्ड का येलो आर्क भी आपको दिखता होगा। हम कैनबेरा 4 दिन रहने वाले हैं, आज के दिन को मिला के हम 4 दिन रहने वाले हैं। कैनबेरा में बहुत अच्छी अच्छी जगह है जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। ये हम है कैनबेरा की आईबिस स्टाइल होटल में। काफ़ी अच्छा होटल है, पूरा भरा पड़ा है आज, एक भी जगह खाली नहीं है, एक भी पार्किंग खाली नहीं है। और बहुत सारे गेस्ट और सैलानी आए हुए हैं यहाँ पर और हम अभी जा रहे हैं। पता चला ठंड कितनी है कि इसमें से मुंह में से धुआं निकल रहा है। और हम जा रहे हैं अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। कल मेरी तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं थी तो कल मैं कोई शूटिंग नहीं कर पाया, आज कर रहा हूँ। मैं कैमरा घुमा के भी आपको दिखा देता हूँ। ये स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल में से हम जा रहे हैं ये गेट के अंदर। Hey girls, hey, how are you? ये हमारी बनी बनी हुई है, ईस्टर बनी, आज भी ईस्टर बनी ही है। बाकी सब लोग वहाँ कोने में बैठे हुए हैं, मैं जरा कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। ये तीन देवियाँ हैं। ये तीन देवियाँ हैं, वैसे तो दो देवी और एक महादेवी है। ये हमारे रमेश भाई है, ये जयेश भाई है, ये हमारे ध्रुव साहब है। ध्रुव से हाँ हाँ, और ये हमारी मोटी बहन है। चलो नाश्ता लग गया है सबका, ध्रुव ने तो फिनिश भी कर लिया, सबने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। तो जाते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या होगा खाने में। आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे न तो ड्राइव करना पड़ता है न कुछ, क्योंकि मेरे साथ ही हमारे विमेश भाई है जो ड्राइव कर रहे हैं। और पीछे है भूमिका बहन और बिग बॉस पारू। तो दूसरी गाड़ी में जयेश भाई और उसकी फैमिली और बाकी बच्चे आ रहे हैं। हम जा रहे हैं सो मिनिएचर म्यूजियम, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बट इसका ऑफिशियल नेम है कोकिंगटन ग्रीन गार्डन्स। ये जो दिख रहा है टावर सा पहाड़ी के ऊपर, वो टेलस्ट्रा टावर है। जहाँ तक मेरी समझ है कैनबेरा का ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अभी तो झाड़ियों के पीछे गुम हो गया। अगर कैनबेरा को किसी के साथ कंपेयर करना है तो हम हमारे इनिशियल चंडीगढ़ या गांधीनगर के साथ कर सकते हैं। सप्लान सिटी, बड़े चौड़े रास्ते, खाली खाली रास्ते। और अभी जैसे छुट्टियां हैं, छुट्टियों में जैसे हम कल आए थे, इट लुक्स लाइक अ घोस्ट टाउन। आ गए हम कोकिंगटन ग्रीन गार्डन। सब धूप सेक रहे हैं, सागे सभी अब इकट्ठा हो रहे हैं ग्रुप फोटो के लिए। और हीरोइन, तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चलो आ गए सब, बिग स्माइल। और ये हुआ हमारा फैमिली फोटो। इसको भी पैसे देने हैं, उसको वो क्यू में जाना है, जिसने ऑलरेडी पैसे दे दिए उसको ये क्यू में जाना है। हमारी विधिवत एंट्री हो गई है।
कोविंगटन ग्रीन गार्डन, ये हमारा स्वागत होता है ये कार से। ये जो बिल्डिंग है कोविंगटन ग्रीन गार्डन का, उसका भी मिनिएचर बनाया है और ये स्केल है 1 to 12। छोटी कार भी है, लोन भी बना, छोटे पेड़ पौधे है, इसी टॉय ट्रेन चल रही है, बीच में सब कुछ मिनिएचर, प्लांट है, पौधे है, बिल्डिंग से है, ट्रेन के साथ एक बोगी भी है, सब कुछ मिनिएचर। छोटा सा घर है, आगे एक बंदा बैठा है बेंच पे, एक छोटा कुत्ता भी है, हॉर्स ड्रिवन कार्ट भी है छोटी सी, मोटरसाइकिल है साइड कार के साथ, लोग आगे खड़े है। ये मोहल्ले, वही मोहल्ले की ओर है, लाइव आदमी के साथ कंपेयर कर सकते हो। और ये हाउस इसके सामने कितना छोटा है, तो जब वो सिर्फ मैं आपको स्केल बताना चाहता हूँ। बीच में कासल भी है, वो भी छोटा सा है। ये हाउस के पीछे एक और हाउस है, हॉर्सिस है उसके प्रांगण में, वो भी छोटा सा है। मिनिएचर है तो मिनिएचर है, एवरीथिंग बहुत अच्छा बनाया है। पता चल रहा है क्या है, मिनिएचर क्रिकेट है। इसका स्केल भी 1 से 12 का है। वहाँ छोटा सा स्कोरबोर्ड भी है, मिनिएचर ग्राउंड है, कुआ है, पानी निकालने का रस्सी है उसमें, लैंप पोस्ट है, लाइट है उसके ऊपर, और ये क्रिकेट है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये बड़े से ट्री का छोटी आवृत्ति समान मिनिएचर बोनसाई ट्रीज है। बाजू में ये कोई यूके के गांव का चर्च है, इसके फ्रंट यार्ड में शादी हो रही है, साइड में कब्र भी है, क्रॉस भी लगा हुआ है, और बाजू में मेहंदी की बाड़ भी है। हाँ, पूरा एक गांव का मोहल्ला बनाया गया है, एक हाउसिंग का रो है, छोटे छोटे हाउस, छोटे छोटे ट्रीज है, उसको जैसे हम मेहंदी की बाड़ लगाते हैं वैसी बाड़ भी है। आप थोड़ा ध्यान से देखो तो शायद देखेगा, बच्चे खेल रहे हैं, कोई स्कूटर चला रहा है और बनाया हुआ है। ये देखो दो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है, साइड में बच्चे खेल रहे हैं, आगे ध्यान से देखो तो कोई रेडी वाला रेडी लगा रहा है, और मिनिएचर ट्रीज है, सब कुछ अपने स्केल में है। ये यूके की कोई गांव की होटल का है, बाहर जीप है, जीप में कोई बंदा टायर चेंज कर रहा है, वो लाल कलर का है, वो टेलीफोन का बॉक्स है। उसके बाजू में जो दरवाजा है वह दो गार्ड्स खड़े हैं, और ये बिल्कुल कोई होटल जैसा या कोई सरकारी मकान है। यहाँ तालाब है, उसके बाजू में छोटा सा पुल बनाया हुआ है, उसके पर ट्रेन की पटरियां जा रही है, टॉय ट्रेन की पटरियां है, आगे आपको ट्रेन भी देखने को मिलेगी, और नीचे से वो केनाल निकाली है पानी की, और ये छोटी पटरियों के साथ छोटा सा स्टेशन है। यहाँ ट्रेन का भी मॉडल दिया गया है, छोटी सी चुटकी ट्रेन का। ये यूके के फार्म का आउट हाउस है, आगे आप खेत में ट्रैक्टर भी देख सकते हो, खेत जोता हुआ है, और इसके बाजू में है बिल्कुल ये कोई कैसल जैसा, कैसल के ऊपर एक ब्लैक कलर का ड्रैगन भी है, शायद आपको दिखाई दे। मिनिएचर है सब कुछ, बहुत बढ़िया दिखता है। ये सोकर का ग्राउंड है, सोकर का पेवेलियन है पीछे, छोटे छोटे प्लेयर्स है, छोटा बॉल है, छोटा गोल पोस्ट है। ऑस्ट्रेलिया इज अ स्पोर्ट्स लविंग कंट्री, यहाँ स्पोर्ट्स को बहुत अहमियत दी जाती है। और एक बात बता दूं, जिसको हम फुटबॉल कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में उसको सोकर कहते हैं। और साइज का डिफरेंस देखना है तो मैं कैमरा की मुंडी घुमाता हूँ, मेरे साथ कंपेयर करके देखे कि ये कितने छोटे स्केल में है। ये हंटिंगटन यूके की मैनचेस्टर शॉप से, ये लग्जरी शॉप लगती है क्योंकि आगे लग्जरी गाड़ियां है, और बिल्कुल ये वाटर फ्रंट शॉप्स फ्रंट है। ये मिनी ट्रेन आ गई, $3 पर हेड बैठने का चार्ज है, बच्चों में बहुत फेवरेट है। ये छोटी सी झील के उस पार है छोटा सा बिली कॉटेज। प्यारी सी ये है, यूके के सालिसबरी प्लेन में आया हुआ प्रीहिस्टोरिक स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट। एवरी ईयर हजारों लाखों लोग ये देखने के लिए जाते हैं। ये मेज है बुलबुलैया, जो जायंट स्केल में होती है, बंदा अंदर जाता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, इसका ये मिनिएचर स्केल है, बट कितना ब्यूटीफुल है देख लीजिए।
ये छोटा सा डायनासोर पीछे छुपा हुआ है, शायद किसी का इंतजार कर रहा है। भागो यहाँ से। ये अब तक ऑस्ट्रेलिया और यूके का था, अब यहाँ कर रहे दिस वे टू इंटरनेशनल डिस्प्ले। चलो इंटरनेशनल डिस्प्ले का भी आनंद लेते हैं, इसमें इंडिया का भी प्ले है। चलते हैं अभी देखते हैं। ये है यूक्रेन का सेंट एंड्रूज चर्च, ये है बोरोबुदुर टेम्पल इंडोनेशिया, ये वेनेजुएला का अल कैपिटल बिल्डिंग 1:16 के स्केल में। ये अर्जेंटीना की गलियां है, उसके मकान है। ये जो हमने पहले देखा वही अर्जेंटीना की एक मोहल्ला, एक गली का सीन है। ये है एस्टेक टेम्पल मेक्सिको, ये 1:100 के स्केल में बनाया गया है, 1:100 के स्केल में, बहुत डिटेल दी गई है। और ये है पेरू का फेमस मच्छू पिचू, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसको नहीं जानता होगा, बहुत देखने जैसा है। यहाँ उसकी डिटेल देखो, कितनी अच्छी डिटेल दी है, ये भी 1:100 के स्केल में है, तो बहुत बढ़िया दिख रहा है सब। और ये सीरिया का है ट्रायम्फल आर पाल्मीरा, जिसको आपने फिल्म में कहीं बार देखा होगा, नाम सुना होगा, ये वही पाल्मीरा है। ये 150 के स्केल में है, स्लोवेकिया का चेटव ऑफ बोजनिस, आई मे बी प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, आई डोंट नो, बट ये बहुत बड़ा है और बहुत बढ़िया दिख रहा है। अगर आपको कैमरा में उसको पूरा घुमा के दिखाता हूँ, देखो एक कैसा शानदार हाउस का मिनिएचर आवृत्ति है, बहुत बढ़िया सा है। ये है इजराइल का मसाडा, ये है जॉर्डन का द ट्रेजरी पेट्रा अल खजाना, और ये 1:18 के स्केल में है ये, और ये इंडियाना जोन्स के मूवी में ये था, वेरी इम्प्रेसिव। ये ईरान का पैलेस ऑफ डारियस, ये 1:18 के स्केल में है। ये है हमारे इंडिया का रेड फोर्ट, लाल किला, जिसके प्रांगण से आज भी साल में 2 बार फ्लैग होस्टिंग होती है, आगे इंडियंस है और पीछे रेड फोर्ट है। ये टर्की का समर पैलेस है, 1:25 के स्केल में है। ये फिलीपींस का टोरोगन मरानो, 1:12 के स्केल में है। इसके साथ है हमारे भारत के नेबर बांग्लादेश नेशनल पार्लियामेंट का बिल्डिंग, ये 1:100 के स्केल में है। ये घूम घूम के हमारी टीम थक गई, फाइनली बैठ गए है, बच्चा पार्टी रेस्ट कर रहे हैं, पार्टी में रेस्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं बच्चा पार्टी रेस्ट कर रहे हैं, बाकी बड़े सब खड़े हैं। हाँ ये बड़ा बच्चा है, मुझे बैठने का नहीं मिला, मैं फिर भी बच्चों में ही आऊँगा। काफ़ी धूप भी थी फिर भी आ गए 12 और अभी जा रहे हैं बाहर कोकिंगटन ग्रीन गार्डन को टाटा बाय बाय करते हुए हम बाहर निकल गए। दोस्तों आप मेरी चैनल पे नए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब भी सब्सक्राइब कर। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए।